हेलो एवरीवन, मैं अमित जुनेजा आप सब लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सब लोगों को तीन नए प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आने वाले 1 से 3 महीने के अंदर लॉन्च होने वाले। ये प्रोजेक्ट रेप्यूटेड बिल्डर के रहेंगे, प्लस में इनकी लोकेशन भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। साथ ही मैं आपको इनके टेंटेटिवली साइजेस भी बताऊंगा और इनके प्राइसेस भी, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन अभी तक मिली है, आपसे सारी शेयर करने वाला हूं। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको पहले प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूं, जो कि MR का रहेगा और ये बेसिकली सेक्टर 62 के अंदर लोकेटेड होगा। ये प्रोजेक्ट टोटल 9 एकड़ की लैंड पर आने वाला है और इसके अंदर आपको टोटल 5 टावर्स देखने को मिलेंगे। और ये जो है लो डेंसिटी प्रोजेक्ट रहेगा, इसके अंदर आपको ग्रीन एरिया भी काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। साथ ही इसके अंदर आपको क्लब भी काफी हाई एंड एमिनिटीज के साथ देखने को मिलेगा। कंपनी का कहना है कि इन्होंने जो अपना फेज 1 डीजी होम्स के नाम से लॉन्च करा था, उससे भी काफी अच्छा कंस्ट्रक्शन और क्वालिटी ये लेके आने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। अगर आप कंस्ट्रक्शन की बात करें तो MR ने जो है अपना कंस्ट्रक्शन करके आपको दिखाई है अपने फेज 1 के अंदर डीजी होम्स के नाम से, जो इनका प्रोजेक्ट आया था। इसके अंदर इन्होंने जो है क्वालिटी भी दिखाई है अपनी कंस्ट्रक्शन की, प्लस में इन्होंने जो है टाइमली कंप्लीट भी करा है प्रोजेक्ट, और इवन पोजेशन भी इन्होंने अर्ली दिया है। अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर बिफोर इन्होंने पोजेशन ऑफर कर दिया है कंपनी ने। तो आप मान के चलो प्रोजेक्ट के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली और इन्वेस्टर के लिए भी ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। अब मैं आपको दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा, जो कि वाइट लैंड का है प्रोजेक्ट। ये बेसिकली सेक्टर 76 के अंदर लोकेटेड है। अभी तक आप लोगों ने वाइट लैंड के बारे में सुना था, ये नया बिल्डर मार्केट में आया है। वाइट लैंड ने अब तक जो है ब्लिस वेले के नाम से इन्होंने अपना लो राइज प्रोजेक्ट लॉन्च करा इसके अंदर, फिर एस्पिन के नाम से हाई राइज लॉन्च करा, इवन इन्होंने एक आइकॉनिक टावर भी लॉन्च करा था वाइट लैंड प्रोजेक्ट के अंदर, जो सेक्टर 76 के अंदर लोकेटेड है। अब जो है ये इनकी कुछ लैंड बची हुई है जो कि 5 से 6 एकड़ के आसपास है, उसके अंदर बेसिकली ये 2, 2.5 BHK और 3 BHK का साइज लेके आने वाले हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1100 स्क्वेयर फिट से लेके 1600-1700 स्क्वेयर फिट के आसपास रहने वाला है। और ये भी प्राइस 11,000 से लेके 12,000-12,500 पर स्क्वेयर फिट के आसपास ये लॉन्च करने हैं। ये प्रोजेक्ट भी काफ़ी अच्छा साबित होएगा आने वाले दिनों में और लोकेशन भी इसकी काफ़ी अच्छी है। जो लोग हाई राइज के लिए वेट कर रहे थे और जिनका बजट कम था और लोकेशन भी अच्छी चाह रहे थे, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छी रिटर्न भी कमा सकते। तीसरा प्रोजेक्ट जो है ये DLF का रहने वाला है और इसके अंदर बेसिकली आपको 133 एकड़ का लैंड बैंक देखने को मिलेगा। कंपनी फिलहाल इसमें 26 से 28 एकड़ के आसपास का एरिया डेवलप करेगी, जो कि फेज 1 के अंदर आएगा। और इसके अंदर आपको 4.5 BHK का साइज देखने को मिलेगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 3200 से लेके 3500 स्क्वेयर फिट का साइज रहने वाला है। ये प्रोजेक्ट जो है आपका मिड सेगमेंट का रहने वाला है, मिड राइज होगा ये, और अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो कि 7 to 8 floors का रहेगा। अगर आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग फर्दर और भी डिटेल चाहिए तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने और इन्फॉर्मेशन भी शेयर करी है इस प्रोजेक्ट के रिगार्ड। अब मैं आपको इसका प्राइस भी बता देता हूँ, जो कि अप्रोक्सीमेटली 12,000 से 14,000 रुपये पर स्क्वेयर फिट का रहने वाला है। अगर आप लोगों को इन प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी चीज़ की हेल्प चाहिए तो आप मुझे कॉल करके पूछ भी सकते हो इसके इन प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग। और कंपनी जो है इनके EOI चेक कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है, और ये जो है चेक आपका बैंक तभी होगा जब आप इन प्रोजेक्ट्स का रेरा आ जाएगा, रेरा अप्रूव हो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।